अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबू बकर सदीक है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दुबई स्काई। दोस्तों, बहुत से दोस्त मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं और कमेंट सेशन में भी मुझसे पूछ रहे हैं कि अबू बकर भाई, हमने ट्रांसगार्ड कंपनी में स्पेशल हैंडलिंग एजेंट के लिए अपना वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, हमने इंटरव्यू और टेस्ट भी क्लियर किया है, लेकिन उसके बाद हमारा वीज़ा जो है वो 3 से 4 मंथ हो चुके हैं, अभी तक वीज़ा इशू नहीं हुआ। तो इसकी रीज़न क्या है? क्या अब ट्रांसगार्ड कंपनी जो है वो हमारा वीज़ा इशू करेगी या नहीं करेगी? तो आज इसके हवाले से इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नहीं है वो मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन पे क्लिक कर लें और नीचे एक छोटा सा कमेंट कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, बात करते हैं ट्रांसगार्ड कंपनी में स्पेशल हैंडलिंग एजेंट की। तो जिन दोस्तों ने अपना स्पेशल हैंडलिंग एजेंट का जो है वो इंटरव्यू और टेस्ट क्लियर किया, उसके बाद अपना वीज़ा प्रोसेस भी स्टार्ट करवा दिया है, 3 से 4 मंथ हो चुके हैं, अभी तक उनका वीज़ा इशू नहीं हुआ, तो उनका वीज़ा जो है वो बहुत मुश्किल है कि अब उनका वीज़ा आए। उसकी रीज़न ये है कि कंपनी का जो टाइम होता है वो 3 मंथ का होता है। 3 मंथ के अंदर अंदर कंपनी जो है अगर आपका वीज़ा भेज देती है तो वेल एंड गुड, अगर 3 मंथ से ऊपर टाइम हो जाता है तो कंपनी आपका वीज़ा जो है वो 80 से 90% वीज़ा नहीं भेजती, 10% चांस होते हैं कि वो आपका वीज़ा भेज सकती है। लेकिन इसमें बहुत से दोस्त ये भी कहते हैं कि भाई हमारा जो है वो 4 मंथ के बाद वीज़ा आया, तो इसके हवाले से मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 10% जो चांस होते हैं वो वीज़ा आने के भी होते हैं, ये नहीं है कि 100% जो चांस होते हैं वो वीज़ा ना आने के होते हैं, 10% ये भी होते हैं कि आपका वीज़ा जो है वो इन प्रोसेस होता है और आपका वीज़ा आ भी सकता है। उसके बाद बात करते हैं कि स्पेशल हैंडलिंग एजेंट के लिए टेस्ट और इंटरव्यू क्लियर करना लाजमी है। तो बिल्कुल, इसमें जो है आपने टेस्ट और इंटरव्यू पाकिस्तान में भी क्लियर करना है और उसके बाद यूएई में जाकर भी आपका होना है, वहाँ से भी क्लियर करना है, तो उसके बाद आपने अपनी ड्यूटी स्टार्ट कर ली है। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, मैंने सोचा मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दूँ ताकि जो दोस्त स्पेशल हैंडलिंग एजेंट के लिए परेशान है तो उनकी ये परेशानी दूर हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।